नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पे बैग बना करके दिखाने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हो। ये जो बैग है ये मल्टीपर्पज है, इसमें आप कोई भी किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। और इसकी जो हाइट और चौड़ाई होगी ये बहुत ही कंफर्टेबल होगी, इसमें काफी सामान आ जाता है। दोनों साइड में हमने यहाँ पे जिप लगाई हुई है, इस तरीके से ये जिप दी हुई है ऐसे, और अंदर से और बाहर से दोनों साइड से ये पूरी फिनिशिंग के साथ में हमने डबल कपड़ा लगाते हुए रेडी की हुई है। ऊपर की साइड यहाँ पे हमने क्विल्टिंग का काम किया हुआ है, जैसे जो आप देख रहे हो, नीचे भी और ऊपर भी क्विल्टिंग का काम होगा। और सेंटर पॉइंट में ऊपर यहाँ पे हमने लगाई हुई है जिप, इस तरीके से ये जिप आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये जिप लगाई है। और मेन चीज क्या है दोस्तों, ये हमने पुरानी जींस में से, जो पुरानी जींस होती है उसमें से ये रेडी किया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों, इस किट को बनाने के लिए, जो हमने आपको किट दिखाई है, इसको बनाने के लिए एक हमने ली है पुरानी पैंट। यहाँ पे ये पुरानी पैंट होगी हमारे पास जींस की। और एक हमने यहाँ पे ये नीचे के लिए अस्तर लिया है, और एक बीच में यहाँ पे ये रबड़ सीट ली है, जो कि बैगों में यूज होती है। सबसे पहले इसका साइज बता देता हूं आपको, ऐसे देखेंगे तो 15 इंच का है, और ऐसे देखेंगे तो हमारा 11.5 इंच का है। तो 11.5x15 की हमारी ये सीट है और नीचे का पीस है। इसी साइज का हमें यहाँ पे पैंट में से पीस निकालना है। तो ये पीस है हमारे पास, ये पैंट है, इसमें से हम ये कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से, मोरी वाली साइड से भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये पीस हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे खुल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने इसी साइज का यहाँ पे पीस कटिंग कर लिया है। जहां से भी हमें ये एक्स्ट्रा लगेगा तो हम इसको काट लेंगे, यहाँ पे सीधा कर लेंगे कपड़े को। इसके बाद हमें इसके ऊपर करना है कोल्टिंग का काम। तो यहाँ पे हम कोल्ट वर्क कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऐसे क्रॉस में। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे, जितना भी आपने गैप रखना हो कम ज्यादा, उतना यहाँ पे कम ज्यादा गैप रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इसी को हम कोल्टिंग वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का हम काम कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मैं सिलाई लगाऊंगा, ये हम जो सिलाई लगाएंगे गोल्डन कलर से, जो खाकी कलर है उस कलर से लगाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोल्टिंग वर्क कर लेता हूं, उसके बाद सीखेंगे कैसे कटिंग करते हैं और फिर किस तरीके से हम स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कोल्टिंग का काम अपना कंप्लीट कर लिया है। नीचे की साइड हमारी ऐसी नजर आएगी और सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसी नजर आएगी। अब हमें यहाँ पे गोलाई बनानी है, जो ये कॉर्नर है हमारे, इनमें हमें गोलाई डालनी है। तो हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, और 2 इंच पे इधर लगाएंगे, और 2 इंच पे इधर लगाएंगे, और यहाँ से हम इसी गोलाई को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मतलब हमने 1 इंच की यहाँ पे गोलाई दी है, और यहाँ पे इस तरीके से इस गोलाई में ही यहाँ पे केक कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी गोलाई आ चुकी है। चारों कॉर्नर पे हम इसी तरीके से गोलाई डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा ऐसे लगा लेंगे। ऐसे ही हम इस साइड में निशान लगाएंगे 2 इंच का ही। और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इस तरीके से दोनों पीस आएंगे हमारे यहाँ पे ऐसे। अब हमें इसके बीच में, जो यहाँ पे है, दोनों साइड में जिप लगानी है। तो ये जिप है, नीचे से रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे। इधर भी और इधर भी दोनों साइड में हम ये जिप, एक इधर में और दूसरी इधर, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे रनर डाल लेंगे, ये ध्यान रखें, इस साइड भी एक रनर डाल लें और दूसरी साइड में भी एक रनर डालते हुए ये कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड में यहाँ पे जिप लगा ली है। जिप लगाने के बाद अब लगानी है हमें यहाँ पे पॉकेट नीचे की साइड। तो यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो 5.5 इंच की होगी। ये देखिए 5.5 इंच की है और लंबाई हमें इतनी ही रखनी है जितना हमारा यहाँ पे ये पूरा पीस है लेंथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे कि बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे फर्क ना आए, बिल्कुल झोल वगैरह ना आए। और यहाँ पे ऊपर से लगाएंगे सिलाई। ये ध्यान रहे नीचे की पॉकेट हमारी पूरी यहाँ पे दबनी चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पॉकेट लगा ली है। इसी तरीके से दूसरा पीस हम यहाँ पे रखेंगे और ऐसे ही इस साइड भी अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड की एक पॉकेट अपनी तैयार कर ली है। पॉकेट लगने के बाद हमारी जो पॉकेट आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। इसमें आप कोई भी छोटा मोटा सामान डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये तो हो गई है हमारी इस तरीके से ऊपर और दोनों साइड की किट तैयार। अब हमें यहाँ पे जिप लगानी है और इसको तैयार करना है। ये तैयार मैं आपको दिखा दूं कैसे आएगी। ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, पूरी की पूरी शेप इस तरीके से आएगी। तो इसको तैयार करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट बनाना है। ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा ऐसे। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.5 इंच इधर सेंटर से और 1.5 इंच इधर। यहाँ पे हमने 1.5 इंच इधर निशान लगाना है और 1.5 इंच में इधर निशान लगाना है। और यहां से ऐसे ही हमने इस साइड में लगा लेना है, ऐसे ही इस साइड में। और इस निशान से यहां तक की हमें दूरी नापनी है। तो ये जो हमारी यहाँ पे दूरी आएगी इस तरीके से नापेंगे हम। मैंने ये बिल्कुल बारीकी से नापी हुई है। आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूं कैसे हम नापते हैं ऐसे। वैसे ये मैं आपको बात करूं तो मैंने पूरी ये पूरी एक्यूरेट नापी हुई। तो ये हमारी 19 इंच आ रही है। तो 19 इंच जब ये दूरी आएगी हमारे हमारी तो हमें 19.5 इंच की पट्टी चाहिए यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे ये दो पट्टी ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये हमारी हो जाती है 19.5 इंच की, यहाँ पे 19 से 19.5 इंच की है। और चौड़ाई होगी इनकी यहाँ पे 2 से 2.25 इंच की। इनमें लगानी है हमें जिप। तो यहाँ पे सीखते हैं पहले जिप कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका करेंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट करने के बाद एक लेंगे हम यहाँ पे जिप। जिप का भी हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना लिया है इस तरीके से। और दोनों साइड में 2.5 इंच के हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ये कपड़ा लगा लिया है। जिप को हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। और एक पट्टी लेंगे और नीचे के लिए, क्योंकि अंदर और बाहर का हमें पूरा यहाँ पे फिनिशिंग से काम करना है। इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसमें हमारी जिप भी दब जाएगी और अंदर बाहर ये पट्टी आ जाएगी।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जिप लगाकर रेडी कर ली है और ऊपर और नीचे की फिनिशिंग हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, ये हमारा पूरा 19.5 इंच का है। हमें एक साइड में यहाँ पे इस तरीके से कोई भी ऐसी लुप्पी लगानी है ऐसे, और यहाँ पे अटैच कर देनी है। दूसरी साइड में हम यहाँ पे ये वाला लगाएंगे हैंडल, यहां से तकरीबन 1.5 या 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से। और इसको रखेंगे लूज, यहाँ पे इस तरीके से लूज रहना चाहिए ताकि हमें पकड़ने में इसको आसानी हो। लूज इसको कम ज्यादा आप जैसे चाहें इतना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पे इनका कर लेंगे सेंटर। ये वाला इधर से, ये वाला इधर से सेंटर। यहां पे भी ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा सेंटर होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने सेंटर बना लिया है। अब हम यहां पे इसमें करना है हमें अटैच, तो अटैच करते हुए भी हमें ध्यान रखना है आपस में, जो ये सेंटर है इसको भी हमें ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर बनाना होगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड में ऐसे मैच करेंगे। ये हमारा ये सेंटर होगा। अब इसको हमें किट को तैयार करने के लिए, बैग को तैयार करने के लिए यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ये हम इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, और इधर हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए दूसरी साइड में भी हमने 1/2 इंच पहले ही सिलाई को रोक दिया है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे गोलाई में इस तरीके से घुमा लेंगे। और यहाँ पे ऐसे रखते हुए ये सेंटर हमारा मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमारी सिलाई इस पॉइंट तक आनी चाहिए, यहाँ पे ये यहाँ पे पक्का करते हुए हम यहाँ पे इसको ऐसे घुमा देंगे। और यहाँ पे भी ये सेंटर हमारा यहाँ पे मैच करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए एक साइड हमने यहाँ पे ये अटैच कर दिया इस तरीके से, दूसरी साइड में हमारी यहाँ पे ये ऐसे ही अटैच हो जाएगी ऐसे, और ये पूरी किट तैयार हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, और ये जो आप देख रहे हो ऐसे, और इधर भी ये पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये पॉकेट तैयार होगी, मतलब पूरा पर्स तैयार हो जाएगा, पूरा बैग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ऐसे थोड़ी सी हमें जो ये हार्डनेस है इसमें थोड़ा हार्ड है ये, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई लगाने में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन आपने सिलाई यहाँ पे ऐसे ही लगानी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस पॉइंट से जो ये निशान है यहीं से हम घुमाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे घुमाना है ऐसे,
ये निशान भी हमारा इस कट में मिलना चाहिए। ये देखिए प्रॉपर मिल रहा है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हार्ड करने के लिए इसमें जो ये रबड़ डाली है, रबड़ होती है एक तरीके की जो कि बैगों में यूज होती है, मैंने ये डाली है। अगर आप फोम डालोगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आसानी से ये अटैच कर पाओगे। ध्यान आपने यही रखना है जो भी हम अटैच करते हैं यहाँ पे पूरा पीस आसानी से मतलब अच्छे से अटैच करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारी फिनिशिंग नहीं आई है क्योंकि ये धागे वगैरह निकलेंगे, तो इसे फिनिशिंग देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ओरेब की पट्टी लगानी होगी, तो वह मैं आपको थोड़ी सी लगा के बताऊंगा कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ की हम जो बाहर हमने सिलाई लगाई है ये वाली, इसकी फिनिशिंग देने के लिए हमें यहाँ पे ओरेब वाली एक पट्टी लेनी है और इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं ऐसे, और सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी हमारी पलट के यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, और फिर इस पट्टी को यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे तो पूरी फिनिशिंग हो जाएगी हमारे यहाँ पे ऐसे अच्छे से। यहाँ पे इस तरीके से जब फोल्ड हो जाएगी पूरी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरीके से हम ओरेब वाली पट्टी ये लगाते हैं। मैं पट्टी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको लगा के क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसका नॉर्मल तरीका है कोई भी आप यहाँ पे पट्टी ऐसे अटैच करें और फिर पलट के यहाँ पे इस तरीके से कम्प्लीट करें तो पूरी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये सिलाई आ जाती है। तो यहाँ पे ये ओरेब वाली पट्टी है जो ये मैं लगा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ में ओरेब वाली पट्टी लगा दी है, पूरी फिनिशिंग रहेगी यहाँ पे पूरे में इस तरीके से पूरी फिनिशिंग आएगी और यहाँ पे धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। अब हमें इसको कर लेना है सीधा। तो ये देखिए पूरा बैग हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसकी फिनिशिंग जो आप देख रहे हो बहुत ही प्यारी सी आई है और दोनों साइड की ये पूरी इसी तरीके की फिनिशिंग होगी। यहाँ पे पॉकेट होगी ये लगी हुई और ऊपर की साइड यहाँ पे हमने डबल कुंडे लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा बैग तैयार किया है और स्पेस आप देख ही रहे होंगे कितना स्पेस है इसमें, काफी स्पेस है, काफी स्पेस वाली हमने यहाँ पे बैग तैयार किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी पुरानी जींस से, पुराने कोई भी कपड़े से इस तरीके से बैग तैयार कर सकते हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बैग होते हैं इस तरीके से और फिनिशिंग के साथ में ये देखने में लगते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।